हेलो गाइस, दिस इज अनुराग एंड यू आर वाचिंग अनुराग 1013। तो आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो से हम लोग माइनक्राफ्ट जावा एडिशन शुरू करने जा रहे हैं, वो भी पीसी के अंदर, जो कि मेरे न्यू पीसी होगा। और जिसको भी नहीं पता, मैंने न्यू पीसी बिल्ड करवाया 30K बजट पे। अगर आप लोग ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं पहले जल्दी से एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर लेता हूँ। हालांकि मैंने इसको पहले भी एक बार खेल लिया था देखने के लिए कि कैसा चल रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे भी एक्साइटमेंट हो रही थी खेलने के लिए, तो मैंने इसमें टेस्टिंग वर्ड ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। सो मैं जल्दी से वर्ड पे एंटर हो जाता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, लोडिंग हो रही है और मैं यहाँ पे बहुत ही फास्ट फॉरवर्डली इस पे एंटर हो चुका हूँ गेम के अंदर। और इन लोगों ने मुझे कहाँ पे स्पॉन कर दिया यार, पहला ही गेम प्ले है। हालांकि मुझे अभी इसके इतने कंट्रोल्स पता नहीं है कैसे क्या होता है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि मैं सब कुछ कर लूँ। और ये जो अभी आप लोग वीडियो क्वालिटी देख रहे हो उसके लिए सॉरी, मैं तो ये बस ऐसे ही टेस्टिंग के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं इसी से स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि आगे कुछ ऐसा सीन ही हो गया था तो मुझे इसी से स्टार्ट करना पड़ा। सो मैं जल्दी से पहले यहाँ से थोड़ी वुड कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि हम लोग क्राफ्टिंग टेबल, एक्स, सॉर्ड वगैरह क्रिएट कर सकें। अब मैं यहाँ पे ये सब कुछ इसकी एक सीरीज नहीं बनाऊंगा हाउ टू प्ले वाली, मैं इसको अपनी सर्वाइवल सीरीज के साथ ही कंटिन्यू करूंगा। सो जल्दी से मैं यहाँ से वुड वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं आगे जाता हूँ। तो यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे जाना था चाहिए, मैं यहाँ पे जाता हूँ। थोड़ा सा ओपन एरिया मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब हम लोग यहीं से थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अब हम लोग को विलेज भी ढूंढना पड़ेगा। तो अरे यार कैसा, कहाँ पे स्पॉन कर दिया जंगल में एकदम। अब यहाँ से चलो हम लोग आगे जाते हैं। एक सन साइड में क्या है वो गाइस, हम लोग को पहले ही विलेज मिल गया बहुत ही स्टार्टिंग में। पहले मुझे लगा इन लोगों ने मुझे कहाँ स्पॉन कर दिया था, लेकिन अब अच्छा हुआ कि उन लोगों ने मुझे यहाँ स्पॉन किया था, क्योंकि हम लोग को इतनी जल्दी ही विलेज मिल गया। हम लोग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, एक नाइट का भी वेट नहीं करना पड़ गया और हम लोग को तुरंत मिल गए। सब जो केव वगैरह देख रहे हो उसको हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे, ये सब भी ऐसे ही है। तो जल्दी से पहले यहाँ पे जाने से पहले मैं काम करता हूँ, मैं क्राफ्टिंग टेबल तो क्रिएट कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से मैं रखता हूँ। अरे ऐसे काम होती है यार, वो तो पहले इसका प्लान्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसके प्लान्स वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ। अभी थोड़ा सा स्लो हो रहा है क्योंकि मुझे भी अभी इनके कंट्रोल्स इतनी आदत नहीं है, अभी मैं अभी तक मोबाइल में ही खेल रहा था। जल्दी से अब क्राफ्टिंग टेबल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, इतना तो मुझे रेसिपीज वगैरह पता ही है, कॉमन ही होती है। तो जल्दी से मैं इस पे सब कुछ क्रिएट कर लेता हूँ। अब हम लोग विलेज की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अब तो ज्यादा चीजें विलेज से ही मिल जाएंगी। तो जल्दी से हम लोग विलेज की तरफ मूव करते हैं। ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है, विलेजर्स वगैरह ग्राफिक्स कितने अच्छे हैं जावा एडिशन के, जैसे कि आप तो देख रहे हो। हेलो 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 हेलो, ऐसे ट्रेडिंग वगैरह भी करेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही है। हेलो हेलो, अरे यार इसने अपना पार नहीं खराब कर लिया, चलो एक सीडी मिल गया। अब चलो इसका पहले ये सब एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अब हम लोग थोड़ा आगे, अरे यार ये क्या गिर गया, ये कैसा विलेजर, गुफा के ऊपर मिलेगा, गुफा को कवर भी नहीं किया इन लोगों ने। सो अब मुझे यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा, क्या मैं वाटर से ऊपर जा सकता हूँ, ट्राई करते हैं ऊपर जाने की वाटर से और जा पाएंगे। अरे हाँ जा तो पा रहे हैं, जल्दी से फिर ऊपर। अरे ये तो यहीं तक है, मैं नीचे ना के तक गया, मैं गया, बच गया, टू हेल्थ बची है सिर्फ। तो अभी मैं काम करता हूँ, यहाँ से थोड़ी बहुत वो डर्ट वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसको तो तोड़ने में टाइम लग जाएगा, ये बिना पिकेट के मिलेगा भी नहीं। तो मैं जल्दी से यहाँ से डर्ट वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर डर्ट के ब्लॉक्स को रखते हुए हम लोग ऊपर चलते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे वीडियो एडिटर भी, जो वीडियो एडिटर भी यूज कर रहा हूँ उसका भी मुझे इतना आइडिया कुछ नहीं है, फर्स्ट टाइम मैं भी यूज कर रहा हूँ वीजीपीसी में ना सब कुछ। तो अब शायद मैं हो सकता है इतनी अच्छी एडिटिंग स्टार्टिंग में नहीं कर पाऊँ, लेकिन हाँ टाइम के साथ मैं भी सीख जाऊँगा जैसे एडिटिंग वगैरह करनी होती है। तो यहाँ से मैं सफिशियंट अमाउंट में डर्ट ब्लॉक कलेक्ट कर लेता ताकि उतनी ऊपर हाइट तक हम लोग पहुँच जाए। तो जल्दी से हम यहाँ से सब भी कलेक्ट कर लेते हैं। सो ऑल राइट, मैंने कलेक्शन का पार्ट यहाँ से हटा दिया था, वो जो मैं वहाँ से डर्ट निकाल रहा था। अब यहाँ से हम लोग जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, तो इतने डर्ट सफिशियंट रहेंगे आई थिंक। हाँ देखो हम लोग ऊपर भी आ गए फिर से। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से, वो देखो आयरन गोलम भी है इसमें, तो मैं काम करता हूँ यहाँ से पूरे को, जो यहाँ पे गड्ढा रहता है इसको मैं पूरा कवर कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे कोई विलेजर वगैरह ना गिर जाए या फिर गोलम ही आयरन गोलम ना गिर जाए। तो जितने अभी मेरे पास डर्ट ब्लॉक्स हैं मैं उसी से यहाँ पे कवर करने की ट्राई करता हूँ, और फिर जितने कम भी पड़ेगा तो मैं इसको भी पूरा सही से कवर कर दूंगा। तो लगाते हैं यहाँ पे, अभी मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है, अभी मैं अभी फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ इसको, सेकंड टाइम ही खेल रहा। सो मुझे इतना अच्छे से आइडिया नहीं है इसके कंट्रोल्स वगैरह का, वो लुक का क्या हो रहा है। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे सब कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। अरे यार आ ही नहीं जा रही, आउट हो गया।
ये आयरन गोलम आ गया, गिर गया आयरन गोलम, गिर गया। तो अब क्या देखते हैं, इसलिए मैं सोचा हूँ सब करके देता हूँ, नहीं तो सारे यहाँ से विलेजर्स ना देते हैं। तो चलो इस काम को भी हम लोग कर लेंगे। चलो जल्दी से मैं करता हूँ, थोड़ा सा उधर जाके अपने विलेज को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ कितनी सारी केव है, विलेज से ऊपर केव है, विलेज के साइड में भी केव है, जहाँ से हम लोग आए थे वहाँ पे भी लावा वाली केव थी, आप लोग को याद हो तो। इस देखते हैं इन सब घर के अंदर क्या है, कुछ नहीं है, खाली घर है। ये सब शायद ऐसे ही होते होंगे इस पे, देखते हैं। हाँ आई थिंक सब ऐसे ही होंगे, हाँ किसी में कुछ नहीं है, बस वही है क्या रहते से बेड। तो चलो फिर अभी उसको पूरा कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो कुछ एनिमल्स वगैरह भी हैं ऑलरेडी, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत देख दाख के फिर सब कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब वो जो वहाँ पे वो गुफा का एरिया है केव का, उसको मैं पूरा कवर कर लूंगा, नहीं तो ये सब जो हमारे विलेजर्स वगैरह हैं सब इसी के अंदर ना गिर जाए, अभी हम फिर से गिर जाते हैं। अब इस बार गिरते तो ये चला जाएगा, मुझे लग रहा है एक दो विलेजर्स इस पे चले जाएंगे। तो जल्दी से हम डर्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं और फिर उसको कवर करते हैं यहाँ पे। ये क्या है, चलो ठीक है फिर जल्दी से मैं कर लेता हूँ। यार मैं इतनी देर से ऐसे इसको हाथ से ही ऐसे कर रहा था, इससे अच्छा तो मेरे पास थोड़ी वुड्स वगैरह थी, अगर नहीं भी होती तो मैं वुड क्राफ्टिंग टेबल से मतलब तोड़ के उससे मैं बना लेता, वो शवल शवल से कर लेता तो थोड़ा सा इजी हो जाता और जल्दी भी हो जाता। पता नहीं मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, दिमाग कहाँ गया था। तो जल्दी से अब इस पे जल्दी से कर लेते हैं, क्या कहते हैं, शवल क्रिएट कर लेते हैं, तो उससे जल्दी जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा काम। तो बाकी मैं आप लोग देख ही रहे होगे, मैंने इसको सब फास्ट फॉरवर्ड वगैरह कर ही दिया है। यार यहाँ पे देखो रात भी होने वाली है, क्योंकि फिर अगर जल्दी से करना पड़ेगा, नहीं तो अगर जॉम्बीज वगैरह आ गए तो प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे थोड़ा सा। अभी हमारे पास अच्छा आर्मर वगैरह भी नहीं है ना, तो अभी मैं देखता हूँ थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, शायद कंप्लीट कर लूंगा, नहीं भी हो पाएगा तो नेक्स्ट डे देखते हैं कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे पूरा। यहाँ पे रात हो गई थी, मैं जल्दी से सो लेता हूँ ताकि मॉर्निंग हो जाए। हाँ यहाँ पे मॉर्निंग भी हो चुकी है, जल्दी से हम लोग अपना काम कंटिन्यू करते हैं विलेज को ठीक करने का। सो अभी यहाँ पे मैंने ये रात पे ही कर लिया था, मैं फास्ट फॉरवर्ड में देखने होगा। यार यहाँ पे मुझे अपनी हेल्थ भी फुल करनी है, सिर्फ देख सकते हो दो वहाँ पे हार्ट बचे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है देखते हैं, कैट्स वगैरह हैं, सो ठीक है इसका इतना कोई यहाँ पे काम नहीं है। सो यहाँ पे विलेज पे बहुत, ये शायद हम बहुत जल्दी हमें विलेज मिल गया ना, तो इन सबका ये सब कंप्लीट भी नहीं हो पाया था, ग्रोथ वगैरह प्लांट्स का, तो टाइम लग सकता है। अभी थोड़ा सा हमारे हंगर बार भी खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे शायद कुछ नहीं अभी मुझे मिल पाएगा। मैं ट्राई करता हूँ कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, ताकि हेल्थ वगैरह इंक्रीज हो जाए थोड़ी सी। तो देखते हैं आप कंटिन्यू रखते हैं, देखते हैं कोई तो एनिमल को मार के खाना ही ले लेंगे। तो आगे चलते हैं थोड़ा सा, ये सब विलेजर यहाँ क्या घूम रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे एक, तो मुझे यहाँ पे एक हेन दिख रही है, मैं इसी को मार देता हूँ ताकि हमें इसी का कोई मिल जाए, जो भी मटन वगैरह चिकन मिलता है किसी को खाते। लेकिन आई थिंक इससे कुछ इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये रॉ है अभी, देखते हैं कितना हंगर बढ़ता है। हंगर बार बढ़ा, बस एक उसका वो बढ़ा है और कुछ हेल्थ भी नहीं मिली है। तो हमें लग रहा है वेजिटेबल्स या फिर ब्रेड वगैरह ही खानी पड़ेगी, जिससे हम लोग की हेल्थ भी इंक्रीज हो। तो देखते हैं थोड़ा सा भी और यहाँ पे ये सब ठीक ठाक कर लेते हैं, शायद तब तक प्लांट्स वगैरह वहाँ के ग्रो भी हो जाएंगे। जल्दी से इस काम को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं इसको। खैर मैं ये सब फास्ट फॉरवर्ड तो कर ही दे रहा हूँ बार बार। तो आई थिंक अब गेम साउंड ठीक आ रही होगी थोड़ी सी, मैंने यहाँ पे गेम साउंड पे थोड़ा सा चेंजेस वगैरह किया था, तो अब गेम साउंड ठीक आ रही होगी। सो
मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन करके ऑल पे सेट कर दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको थम्स अप दे देना ताकि हमें। तो अभी से ये सब यहाँ पे कंप्लीट कर लेता हूँ, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके अब मैं इसको पूरा कंप्लीट करके भी आप लोगों को बताऊँ, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है ना इससे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे ग्रो हो ही गया होगा, तो मैं यहाँ से ये ब्रेड लेने की ट्राई करता हूँ, शायद एक ब्रेड तो यहाँ से मिल जाएगी, ब्रेड पोटैटो जो भी मिला होगा। हाँ एक पोटैटो और कैरेट मिल गई, शायद इतने से मेरा काम हो जाएगा फिलहाल के लिए। यहाँ पे सीड मिला है, सीड का तो कोई काम नहीं, मैं सीड जितने भी है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये दोबारा से ग्रो हो जाए। मेरी वजह से हो गया ये, कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं वगैरह से सब सेट कर दूंगा बाद में। पहले मैं ये सब यहाँ पे देख लेता हूँ कुछ और वगैरह, और मैं यहाँ पे खा भी लेता हूँ ताकि अगर बाद में खुलेगा और मेरी बढ़ेगी तो हेल्थ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। सो ऑलराइट, यहाँ पे मैं थोड़ी और टूल्स वगैरह क्रिएट कर लेता हूँ, एक्स और हो वगैरह जो भी वो मिलेगा, क्या कहते हैं हो से, मैं पहले वहाँ पे वो ठीक कर लेता हूँ। बाकी चीजें भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, हमने विलेज बाकी ठीक कर लिया, बाकी मैं वो सब ऑफलाइन पे ठीक कर लूंगा। मैं यहाँ पे इसका फार्म ओके कर देता हूँ, रेडी कर दूंगा, ठीक कर देता हूँ मेरे जो खराब हुआ है। तो यहाँ पे मैं सीड वगैरह से शुरू कर दूंगा, इसका हमें को अभी आगे काम पड़ेगा ब्रेड वगैरह का, तो इसका भी यहाँ पे है। चलो फिर आगे देखते हैं, अभी कुछ और करते हैं ट्राई। तो बाकी जावा एडिशन के ग्राफिक्स वगैरह कितने अच्छे, वाटर वगैरह का यहाँ पे पैन वगैरह है, मॉसी कॉबल स्टोन भी था पीछे यहाँ पे, बाकी काफी अच्छे ग्राफिक्स है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे। पॉकेट एडिशन में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो तो ऑब्वियस ही बातें होने ही है, क्योंकि ये बेडरॉक शायद जावा एडिशन शायद बेडरॉक एडिशन बेडरॉक इंजन पे बनाया गया है, तो जावा से कोड किया गया होगा, और अपना पॉकेट एडिशन तो वो मोबाइल का, तो ऑब्वियस ही बात है उसके ग्राफिक्स थोड़े लो लेवल होंगे। तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं और भी घूम लेते हैं बाकी काम में। यहाँ पे भी एक केव है, कितनी केव है, अच्छी बात है, माइनिंग वगैरह के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे ये केव। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो कि इसको कैसे डिजाइन किया गया है माइनक्राफ्ट को। सो सब कुछ मैं कवर कर देता हूँ, सब लोग ये क्या कहते हैं हमारे विलेजर्स ना चले जाए। तो बाकी अभी थोड़ा बहुत मैं खुला रखूँगा क्योंकि हम भी माइनिंग वगैरह अभी मैं चला जाता नहीं, क्योंकि एक और वहाँ पे विलेजर है। तो मैं ये सब यहाँ पे कवर कर देता हूँ, बाकी मैं देख भी लेता हूँ, काफी अच्छा लग रहा है मुझे इसका ये क्या कहते हैं माइनक्राफ्ट जावा एडिशन। सो घूमते हैं थोड़ा ऐसे टाइम पास। तो मैं अभी काम करता हूँ यहाँ से, एक दो मतलब तीन शीप की शायद जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम लोग को बेड वगैरह क्रिएट करना है। तो शीप वगैरह मार के वुल वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं, शायद मीट वगैरह भी मिलेगा। सो हम थोड़ी बहुत एकदम बेसिक सी कॉबल स्टोन लेके थोड़ी माइनिंग कर लेते हैं कॉबल स्टोन के लिए, ताकि हम लोग फर्नेस वगैरह क्रिएट कर पाए। तो यहाँ पे हॉर्स वगैरह भी हैं, इसमें सामने मुझे शीप दिख तो रही है, इसको मैं मार देता हूँ जल्दी से चल के। बाकी हम लोग को शायद थ्री शीप की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो ऊपर भी है वहाँ पे शीप, तो मैं इनको भी जल्दी से मार देता हूँ ताकि मुझे थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाएगा। तो जब मैं इसको कुक करके यूज करूंगा, तो शायद कुक करके ईट करूंगा, तो अब बाकी उसके फ्यूल के लिए हम लोग वुड का ही इस्तेमाल थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में यूज कर लेंगे, क्या जा रहा है उससे। बाकी एक शीप कहाँ गई है, शीप कहाँ गई है, यहाँ पे दो शीप थी शायद, ऊपर तो नहीं है ऊपर, अरे हाँ वो है ऊपर ही तो है, यहाँ पे मार देते हैं ताकि हो जाए। सो मैं जल्दी से यहाँ से नीचे चलता हूँ, और बहुत संभाल के नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा हेल्थ भी नहीं है। तो जल्दी से यहाँ से नीचे चलते हैं और फिर हम लोग बेड वगैरह भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी मैं अपने यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल वगैरह प्लेस करी थी, मैं वहीं पर जल्दी से जाता हूँ, हमारे क्राफ्टिंग टेबल भी सामने ही है। तो मैं जल्दी से इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे जल्दी से बेड बना लेता हूँ। तो बेड की रेसिपी भी आप लोग देख ही सकते हो, बहुत ईजी होती है बेड बनाना भी। तो यहाँ पर मैंने बेड भी क्रिएट कर लिया है, तो अब मैं जल्दी से एक तो पिकेक्स भी, पहले मैं इसको कहीं पे अच्छी जगह से प्लेस कर देता हूँ क्योंकि नाइट भी होने वाली हो रहा है। तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए मैं इसको यहीं पे ऐसे प्लेस कर दे रहा हूँ, अभी मैं अपना वो क्राफ्टिंग टेबल वगैरह भी सभी जगह प्लेस कर दूंगा। तो देखते हैं अभी, अब तो मैं यहीं पे स्लीप कर दूंगा जल्दी से, फिर नेक्स्ट डे जल्दी से सो जाते हैं और फिर नेक्स्ट डे का वेट करते हैं। मॉर्निंग भी हो गई है तो जल्दी से अब हम पिकेक्स वगैरह क्रिएट करके कॉबल स्टोन वगैरह ले आता हूँ जाके, क्योंकि हम लोग को फर्नेस भी क्रिएट करना है। तो मैं अब यहाँ से दो मटन खा लेता हूँ ताकि थोड़ी सी हेल्थ इंक्रीज हो जाए, बाकी बचा लूंगा कुक करने के लिए। सो अब मैं जल्दी से पिकेक्स क्रिएट कर लेता हूँ, कहाँ गई मेरी क्राफ्टिंग टेबल, आ इधर थी। सो मैं जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल से पिकेक्स क्रिएट कर लेता हूँ, दो ही स्टिक है और दो ही लगती है,
अरे यार अभी कंट्रोल्स का ही प्रॉब्लम हो रहा है शायद, जितना मुझे पता है यही होती है इसकी टिकट फिर यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ से उसको टाइम। हाँ एक टिकट हम लोग को मिली है आई थिंक हमको 8 8 जहाँ तक हम लोग को फर्नेस लगेंगे, तो जल्दी से इसको मैं यहाँ से, यहाँ पे हम लोग ने जो गुफा छोड़ी थी ओपन छोड़ी थी यहीं से हम लोग ले आते हैं जाके। तो अब जल्दी से मैं अंदर जाता हूँ, एक यार डायरॉइड एक यार ड्यूरॉइड से शायद हम लोग फर्नेस से ही गेट यार में हो सके तोड़ रहा हूँ वुडन पिकेट से, तो ये ड्रॉप कैसे होगी शायद जमाने से ड्रॉप हो जाता है। हाँ ये ड्यूरॉइड है शायद, इससे हम लोग को नहीं बनता है फर्नेस, तो तब भी थोड़ा सा देख लेते हैं ट्राई कर लेते हैं, मुझे भी इतना स्पीड का आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ से कॉबल स्टोन वगैरह भी लेके चलेंगे। अरे यहाँ पे स्लीपर ब्लास्ट हो गया। हाँ खैर मैंने तो यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट करके रखा था, तो मैं यहीं पे हो जाऊंगा। सो अब मैं फिर से जल्दी से चला जाता हूँ उसी प्लेस पे कहाँ गया ये। हाँ यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ मैं अपना जल्दी से, तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। शायद कुछ स्लीपर ब्लास्ट हुआ है, सो यहाँ पे हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी टूट भी गई हैं। 7 हम लोग को ड्यूरॉइड मिल चुका है, सो मैं शायद ड्यूरॉइड से कुछ होगा तो नहीं। आगे कॉबल वो भी है, कोल भी था आप लोगों ने शायद देखा हो, तो मैं शायद ड्यूरॉइड से नहीं क्रिएट होता है। सो मैं जल्दी से यहाँ से कॉबल स्टोन भी वापस लाऊंगा एक बार, फिर भी ट्राई कर लेते हैं किसे पता कॉबल स्टोन से भी बनता हो, मेरी रेसिपीज का तो इतना आइडिया नहीं है। सो ड्यूरॉइड से नहीं क्रिएट होता है, सो मुझे यहाँ से 4 आगे शायद वहाँ पे कॉपर बेस, तो पहले मैं यहाँ से 4 जो अभी हम लोग काम कर रहे वो कर लेते हैं, चांस कर रहे थे। हाँ 4 कॉबल स्टोन लेने आए थे ताकि हम लोग वहाँ से इजिली वो क्रिएट कर सकें फर्नस। तो बस आई थिंक इतने इनफ रहेंगे, थोड़ा सा आगे अभी से कभी एपिसोड में चला जाएगा। सो एक दो यहाँ से और ले लेते हैं, अब इतने इनफ रहेंगे, जल्दी से मैं चलता हूँ और एक फर्नेस भी यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। अरे चलो ना आगे, हाँ इतने इनफ है हो गया हमारे पास, सो जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं। और फिर कहाँ है हमारी क्राफ्टिंग टेबल, यहीं पे है, सो जल्दी से चलते हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ ये क्राफ्टिंग टेबल गई, जल्दी से हम लोग फर्नेस भी क्रिएट कर लेते हैं। 11 हो गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सो जल्दी से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। हाँ ये देखो एक फर्नेस भी हम लोग को मिल गई है, पहले इसको यहाँ पे रख देता हूँ। एक फर्नेस भी हम लोग के पास आ गई है, तो शायद आई थिंक ड्रॉप हो गया, नहीं आ गया। हाँ ठीक है, तो मैं अब जल्दी से यहाँ पे सब अपना सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्नेस भी रख लेता हूँ और यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल भी ले आता हूँ। पर हाँ उससे पहले मेरे पास जितना भी मटन है मैं उसको वुड से कुक कर लेता हूँ, शायद वुड कम पड़ जाएगी, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ ताकि थोड़ा सा खाने का भी वो हो जाए जुगाड़। तब तक मैं जाता हूँ यहाँ से और वो ले आता हूँ क्या कहते हैं क्राफ्टिंग टेबल, जल्दी से मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। एक्स नहीं है शायद मेरे पास, तो मुझे ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो यहाँ से हमने ले लिया है, हम लोग उसको भी वहाँ पे रख देते हैं क्या कहते हैं, हाँ यहाँ पे रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को भी प्लेस कर दिया और मैं अपना बेड भी यहाँ पे ऐसे लगा लिया, लग क्यों नहीं रहा है, कैसे लगेगा बेड, लग जा, हाँ लग गया। तो यहाँ पे मुझे 3 कुक्ड मटन भी मिल चुका है, सो ठीक है मैं जल्दी से एक खा लेता हूँ, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सो हाँ मैं जल्दी से एक यहाँ पे खा लेता हूँ। अरे यार जल्दी से क्या हो रहा है ये, हाँ शायद अच्छा मैं उस पर वहाँ पे क्लिक हो गया था, सो कोई बात नहीं यहाँ पे हो चुका है। सो अब मैं यहाँ पे, तो मैं अब जल्दी से यहाँ से कैमरा मोड भी चेक, अरे यार ये क्या हो गया, ये चैट बॉक्स क्यों खुल गया, कैसे बंद होता है ये चैट बॉक्स, बंद हो जा, हाँ ये हो गया और ये यार ड्रॉप क्यों हो गया। सो कैमरा मोड कैसे चेंज होता है जल्दी से, शायद हाँ अब हो जाएगा। हाँ ये देखो कैमरा मोड पर, यार ये मेरा स्टीव तो सामने देख ही नहीं रहा है, मेरा कैरेक्टर सामने कैसे देखेगा ये, शायद फिर से तो नहीं क्लिक करना पड़ेगा। अरे यार सामने देख ले कैसे देखेगा, कौन सी बटन क्लिक करनी पड़ेगी सामने दिखाने के। हाँ तो ये देखो ये हमारा सामने भी देख रहा है, तो कैमरा मोड, अब मुझे कैमरा मोड भी चेंज करना आ गया है। सो अब मैं, सो ऑल राइट गाइस आज के फर्स्ट एपिसोड के लिए बस इतना ही, मैं होप करता हूँ आप लोगों को भी ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज उसको एक थम्स अप दे देना, और अगर हमारे चैनल पे न्यू हो, वो देखो कैसे पीछे वाला भी लेकर वो वहाँ से पोज दे रहा था, सो अब बता देते हैं। सो अगर हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। और गाइस ये मैं बता देता हूँ कि ये जावा माइनक्राफ्ट जावा एडिशन की ये हम लोग की सर्वाइवल सीरीज आज से स्टार्ट हो गई है, इसकी भी प्लेलिस्ट अब आपको जल्दी ही हमारे चैनल पे दिख जाएगी। सो ठीक है गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हाँ सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे सेट कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।